हाय डियर गाइस, कैसे हैं आप लोग? लॉकडाउन एक्सटेंशन, स्कूल कॉलेजेस क्लासेस ऑल क्लोज्ड, स्टिल वर्क हार्ड इज टू मच बाय ऑल ऑफ माय स्टूडेंट्स एंड अदर स्टूडेंट्स आल्सो। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट थिंग्स फॉर एन आइडियल स्टूडेंट। एक स्टूडेंट में क्या क्या होना चाहिए और कौन कौन से पॉइंट्स नहीं होने चाहिए चाणक्य नीति के अकॉर्डिंग। आपने चाणक्य का नाम सुना होगा, काफ़ी गहरे और काफ़ी इंटेलेक्चुअल कूटनीतिज्ञ थे वो भारत के। सबसे पहले उन्होंने बोला कि एक आइडियल स्टूडेंट की 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, काक चेष्टा बको ध्यानम, स्वान निंद्रा तथैव च, अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। काक चेष्टा, काक मीन्स क्रो कौआ, हर बार उसकी जो चेष्टा है, जैसे आपने थर्स्टी क्रो की भी कहानी सुनी हुई है, काफ़ी स्ट्रांगली ट्राई करता है और जब तक वो काम पूरा नहीं हो जाता वो स्किप नहीं करता। तो ये छोटी सी बात हम एक बर्ड से भी सीख सकते हैं। बको ध्यानम, बगुला, बगुला का जो कंसंट्रेशन है, फोकसिंग पावर है, इट इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। एक बार जब अपने शिकार पर वो आंख जमा लेता है तो शिकार किए हुए बिना वो अपना ध्यान हटाता नहीं है। वैसे ही आप लोगों ने इतनी चेष्टा करनी है, इतना कंसंट्रेशन से प्रयत्न करना है, ट्राई करना है कि जब तक वो काम पूरा ना हो जाए आपको पीछे नहीं हटना। श्वान निंद्रा, श्वान मीन्स डॉग, जिसको आप लोग प्यार से डॉगी बोलते हैं, कुत्ता। उसकी जो नींद है, इतनी अलर्टफुल नींद होती है, गहरी नींद तो होती है बट स्टिल ही और इट इज वेरी वेरी अलर्ट कि कोई पास से निकल भी जाए तो डॉग तुरंत अपनी आंखें खोल के देखता है कि हु पास्ड मी थ्रू द वे। वैसे ही आपने ऐसे नहीं करना है, अभी तो मोबाइल है तो स्नूज अलार्म का काफ़ी अच्छा अच्छा ऑप्शन है। 5 बजे का अलार्म लगाया, स्नूज कर दिया, 5:15 का अलार्म लगाया, स्नूज कर दिया, 5:30 का अलार्म लगाया, स्नूज कर दिया, अगेन स्नूज फॉर 30 मिनट्स, मीन्स अब उठेंगे हम 6 बजे, फिर से स्नूज। तो नो, श्वान निंद्रा मतलब बिल्कुल एक अलार्म से ही आपको अपना डिटर्मिनेशन याद रखना चाहिए। सिर्फ नीट, सिर्फ जेई, सिर्फ 12th बोर्ड में टॉपर से बार बार रेपिटेशन से काम नहीं चलेगा बेटा। यू शुड बी अलर्टफुल फॉर योर अटेम्प्ट्स एंड फॉर योर फोकस। देन अल्पहारी, अल्पहारी मीन्स जितनी नीड है उतना ही खाना, अल्प मीन्स थोड़ा, थोड़ा खाकर काम चलाना। अब वो थोड़े में वो 2 मिनट वाला काम नहीं आना चाहिए कि चलो नूडल्स बनाए, पास्ता बनाया और हम अल्पहारी हो गए क्योंकि हम बहुत सारा खाना नहीं खा रहे, रोटी सब्जी दाल चावल। नो, अल्पहारी वर्ड स्टिल एक्यूमुलेट्स द मीनिंग बैलेंस्ड डाइट। तो घर का बना हुआ, मम्मा का बना हुआ टेस्टी फूड, इट विल एक्यूमुलेट द वर्ड। देन गृह त्यागी मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप लाइब्रेरी में बिताएं और अपनी सेल्फ स्टडी में बिताएं। जरूरी नहीं है कि गृह त्यागी बोल दिया तो आपको अपने फ्रेंड के घर पर जाकर पढ़ना है, यू कैन मेंटेन योर ओन रूम। गृह त्यागी का मतलब है फैमिली मेंबर्स से अलग टाइम बिताकर आपको अपने स्टडी की प्रिपरेशन करनी है। सो ऑल इज क्लियर, कोशिश करेंगे आज से एक आइडियल स्टूडेंट बनने की, बिकॉज ये है विद्यार्थी के 5 लक्षण। अब नेक्स्ट पार्ट आता है आपके पास कि एक विद्यार्थी को क्या क्या नहीं करना है। तो उसमें चाणक्य ने 8 आदतें और 8 हैबिट्स ऐसी बताई हुई हैं जिनको आपको स्किप कर देना है और जिनको पूरी तरह से छोड़ देना है। वो 8 आदतों के लिए चाणक्य ने एक श्लोक दिया हुआ है, काम क्रोध अरु स्वाद, लोभ श्रृंगार ही कौतुक ही, अति सेवन निद्रा ही विद्यार्थी 8 तजे। मीन्स काम मीन्स
सेक्सुअल हैबिट्स से आपको दूर रहना है, क्रोध मींस गुस्सा नहीं करना है। आज की डेट में पेरेंट्स और टीचर्स अगर आप लोगों को समझाने की और गुड हैबिट्स लाने की कुछ कोशिश करते हैं तो द स्टूडेंट्स आर्ग्यू, सो दैट इज़ अ बैड हैबिट। जब भी गुस्सा आता है तो आप 10:1 रिवर्स काउंटिंग में जाएं एंड ट्राई टू सप्रेस योर एंगर। देन नेक्स्ट इज स्वाद मींस टेस्ट। नहीं, मम्मा के हाथ का खाना टेस्टी नहीं है, बाहर का जो पाव बड़ा है या बाहर का जो नूडल्स है, चाइनीज है, वो बहुत टेस्टी है। सो स्किप दिस हैबिट फ्रॉम टुडे एंड नाउ इट्सेल्फ। फील द टेस्ट इन मम्मास हैंड कुक्ड फूड। नेक्स्ट इज लोभ। लोभ मींस लालच। किसी भी चीज का जो अति लालच है वो बुरा है। सपोज टेस्ट होता है, उसमें किसी टॉपर बच्चे से आप खुद को कंपेयर करते हैं तो दैट इज रॉन्ग। आप अपने आप को खुद से कंपेयर करें कि मेरे लास्ट टाइम सपोज 30 में से 20 मार्क्स आए थे तो मुझे अब 20 से ज्यादा ऑब्टेन करने हैं। सो कंपेयर विथ योर सेल्फ ओनली। लोभ मत करिए मार्क्स के लिए, लेकिन प्रयत्न करते रहिए। श्रृंगार ही, ये जो वर्ड है वो खास कर गर्ल्स के लिए मेड है एंड फॉर बॉयज ऑल्सो हु आर बिजी इन कलरिंग हेयर्स एंड मैनी टाइप ऑफ टैट्यूज इट्सेल्फ। तो श्रृंगार करने वाले बच्चे को स्टूडेंट नहीं बोला जाता। अपने आप को वेल मेंटेन करना, डिसेंस ड्रेसेस पहनना, दैट इज वेरी गुड। बट जैसे ही हम उस हैबिट को कहीं तो भी ज्यादा में एक्सेजरेट कर देते हैं, उसे बोला जाएगा श्रृंगार। लिपस्टिक्स, नेल पेंट्स और एनी टाइप ऑफ नेल आर्ट और हेयर कलरिंग, हेयर स्टाइल में अगर आपका एक्स्ट्रा टाइम जा रहा है तो आपको इस हैबिट को तुरंत छोड़ देना है। कौतुक ही। कौतुक ही मीन्स मनोरंजन, एंटरटेनमेंट, टीवी एंटरटेनमेंट। आजकल बहुत सारे बच्चे गेम्स में एंगेज कर लेते हैं खुद को और फिर वो उस हैबिट से बाहर नहीं निकल पाते। देन दे नीड एनी साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट टू गेट आउट ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो ऐसी चीज़ों में हमने क्यों इंडल्ज करना जिससे बाहर आने के लिए हमको किसी और की हेल्प लेनी पड़े। वाई कांट वी बिकम स्ट्रॉन्ग टू गेट आउट ऑफ दीज हैबिट्स। देन अति सेवन, मतलब किसी एक पर्सन के लिए इतना इंक्लाइंड हो जाना कि उसकी ही सेवा करने लग जाए हम, ये चीज़ को आज से ही छोड़ देंगे। निद्रा ही। एक आइडियल स्टूडेंट के लिए 8 घंटे की नींद, 8 आवर्स गुड स्लीप इज इनफ। इससे ज़्यादा नींद हमें नहीं लेनी है। सो ट्राई करेंगे आज से ही ये 8ों हैबिट्स को आप छोड़ देंगे एंड ट्राई टू अडॉप्ट अ बैलेंस्ड लाइफ, अ बैलेंस्ड फूड, अ बैलेंस्ड हेल्थ एंड स्पोर्ट्स एंड एक्टिविटी ऑल्सो। कंप्यूटर और मोबाइल की जगह बाहर जाकर कुछ आउटडोर एक्टिविटीज में इंडल्ज होंगे एंड जब भी नेक्स्ट टाइम हम लोग मिलेंगे सो मीट विथ पॉजिटिविटी। मॉर्निंग में कब उठेंगे टाइमिंग सेट कर लेंगे अकॉर्डिंग टू मॉर्निंग टाइमिंग्स। अगर आप 3:15 पर उठ जाते हैं 3:15 बजे और उठकर आप अपनी एज के बराबर मेडिटेशन करते हैं, सपोज एनी चाइल्ड इज 16 ईयर्स ओल्ड, बिकॉज मेरे कॉन्टेक्ट में तो सारे टीनेजर बच्चे ही हैं, तो सपोज एनी चाइल्ड इज 16 ईयर्स ओल्ड, उस बच्चे को मिनिमम मेडिटेशन करना चाहिए 16 मिनट्स का। सपोज अदर चाइल्ड इज 18 ईयर्स ओल्ड, डू मेडिटेशन ऑफ 18 ईयर्स। मीन्स अकॉर्डिंग टू इंडियन माइथोलॉजी वी शुड मेडिटेट एवरी डे इक्विवेलेंट टू आवर एज। लाइक सम पर्सन इज 25 ईयर्स ओल्ड, मेडिटेशन ऑफ 25 मिनट्स शुड बी देयर फॉर दैट पर्सन। तो मॉर्निंग में जैसे ही आप 3:15 बजे उठते हैं, 3:20 से 3:40 का जो टाइम है दैट इज बेस्ट फॉर मेडिटेशन। ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज इन द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव वेव्स वंडरिंग इन द एटमॉस्फियर फॉर योर ग्रास्पिंग टू डेवलप योर माइंड इन अ वेरी पॉजिटिव वे, जिनको हम बोलते हैं दैविक शक्तियां, स्पिरिचुअल पावर्स।
बहुत ही पॉजिटिव बनाएंगी हमें अगर हम इस टाइम पर मॉर्निंग में उठ जाते हैं, अपनी एज के बराबर कम से कम इतने ही मिनट्स का हम मेडिटेशन करते हैं और फिर उसके बाद में हम अपने अपने स्टडीज में लग जाते हैं। देन रात को सोने का जो टाइम है वी कैन मेक अर्लियर, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। सो टेकिंग गुड बाय फ्रॉम यू एंड मीट नेक्स्ट टाइम विथ अ ग्रेट हेल्थ, अ ग्रेट कमिटमेंट। अभी बैठ के अपनी अपनी शेड्यूलिंग कर लेंगे, कुछ तो भी कमिटमेंट बनाएंगे। एंड द स्टूडेंट्स हु आर इन कॉन्टैक्ट विथ मी शुड सेंड मी योर कमिटमेंट्स कि आज से हम इतने घंटे का अपना शेड्यूल बना रहे हैं, इतने इतने प्रॉब्लम्स हम डेली करेंगे, बैकलॉग्स कंप्लीट करेंगे, जो टेस्ट हमने अभी तक नहीं दिए हैं वो टेस्ट देने की हम जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे। सो गेट इन टच विथ द पॉजिटिव एनर्जी। थैंक यू, बाय बाय।